हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2 और हम शुरू करने जा रहे हैं ड्रिलिंग। इससे पहले हमने बात की है जो कि हमारे कटिंग टूल और कटिंग मटेरियल्स थे यूनिट 3। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग नॉर्मली आपने वर्कशॉप में, जब भी हम वर्कशॉप में जाते हैं तो ड्रिलिंग आपने नॉर्मली देखी होगी, वर्कशॉप में प्रैक्टिस भी की होगी, या फिर हम बात कर सकते हैं नॉर्मली आपने घरों में कोई भी हम ड्रिलिंग वगैरह का काम करवाते तो वहाँ पे भी आपने ड्रिलिंग देखी। तो ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? ड्रिलिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी वर्क पीस के अंदर या फिर कोई भी हमारी जॉब है उसके अंदर हम क्या करते हैं, होल्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि ड्रिलिंग क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग या फिर प्रोड्यूसिंग, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द होल्स, ठीक है, इन होल्स बाय जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होगा, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की सहायता से होल्स प्रोड्यूस करना, वो क्या, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ड्रिलिंग। और जिस मल्टी पॉइंट टूल की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, होल कर रहे हैं, वो जो टूल रहेगा हमारा, मल्टीपल जो पॉइंट कटर होगा, कटिंग टूल होगा, वो कहलाएगी ड्रिल। उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिल। तो देखिए ड्रिलिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे फर्स्ट वो क्या रहेगा, ड्रिलिंग। कि ड्रिलिंग क्या होती है, तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ, ड्रिलिंग में क्या आ जाएगा, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग होल्स, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग होल्स यूजिंग मल्टी पॉइंट, ठीक है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। जो हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, आपको बताया था जब हमने कटिंग टूल के बारे में बात की थी कि दो तरह के हमारे कटिंग टूल होते हैं, एक होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दूसरा हमारा होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कौन सा होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है जो कि हम जैसे लेथ मशीन पे यूज करते हैं, शेपर मशीन पे यूज करते हैं, जिनके अंदर जो सिर्फ एक कटिंग एज होता है, जो जब हम पास कर रहे हैं तो सिर्फ एक पॉइंट कटिंग का वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है, टूल का एक एज है वो सिर्फ क्या कर रहा है, कटिंग कर रहा है, तो सिंगल पॉइंट। लेकिन जो हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होगा ये कौन सा होता है, जैसे कि हमारा ड्रिलिंग होता है, ड्रिल में होता है, या फिर बोल सकते हो ड्रिलिंग मशीन के अंदर होता है, या फिर जो हमारी मिलिंग मशीन होती है, मिलिंग मशीन के अंदर होते हैं, जिसके अलग अलग प्रकार के टीथ लगे होते हैं जो कि काफी कट के अंदर, जैसे जैसे हम उसको गुजारेंगे, मतलब वर्कपीस में से पास कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हर एज जो हर कॉर्नर है, हर टीथ है, वो क्या कर रहा है, कटिंग कर रहा है, यानी कि उसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो हमने क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग होल्स यूजिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड ड्रिलिंग। कि वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अंदर, मान लीजिए ये हमारा वर्कपीस है, इस वर्कपीस के अंदर हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की सहायता से होल कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, वो प्रोसेस कहलाएगी ड्रिलिंग। और द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जिसका हम यूज कर रहे हैं, ये वाला जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, इसको हम क्या बोल देंगे, ड्रिल। यहां तक तो ड्रिल का आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, द मल्टी पॉइंट कटिंग, द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज ड्रिल। उसको हम क्या बोल देंगे, ड्रिल। मतलब जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या रहेगा, यहां पे ड्रिल। उसको हम क्या बोल देंगे, ड्रिल। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग मशीन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग मशीन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग मशीन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग मशीन। कि जो हमारी ड्रिलिंग मशीन होती है वो वर्क किस तरह से करती है, नॉर्मली आपको सिंपल बताया हमने, ड्रिलिंग मशीन तो देखी होगी, ड्रिलिंग मशीन जो हमारी बिट होती है उसका काम क्या होता है, सिंपल हमारा मान लीजिए ये वर्कपीस है, वर्कपीस के अंदर इस तरह से होल करना, कोई भी वर्कपीस है, वर्कपीस के अंदर होल करने के लिए हम जिसका यूज कर लेते हैं, ठीक है, आपको पता है इसी तरह से हमारी क्या होती है, ड्रिल मशीन होती है, ठीक है, ड्रिल मशीन होती है, ये क्या होती है हमारी, ड्रिल, जिसको आप क्या बोल देते हैं, बिट बोलते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, एक ड्रिलिंग मशीन होती है, ठीक है, इसका काम क्या है, ये होल होगा, इन होल्स को प्रोड्यूस करना,
ठीक है, इन होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं ड्रिल मशीन का, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्किंग प्रिंसिपल। मतलब वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर सिंपल रहेगा कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस होल इन वर्कपीस और जॉ विद मल्टी पॉइंट कटिंग टूल नोन एज ड्रिल। कि वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या लिखना है, कि वर्किंग प्रिंसिपल में हम सबसे पहले ड्रिलिंग मशीन क्या है, ड्रिलिंग मशीन एक डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए वर्कपीस के अंदर, ठीक है। किसकी सहायता से, कटिंग टूल की सहायता से। जब हम जो हमारी जैसे हमने टूल को फिक्स कर दिया, तो हम इसके अंदर एक बार लिख लेते हैं कि इट इज ए मशीन, इट इज ए मशीन विच इज used for producing holes in workpiece। कि जो हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस के अंदर होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। तो देखिए किस तरह से हम इसके अंदर वर्किंग करेंगे। सबसे पहले क्या होगी, हमारे पास एक ड्रिलिंग मशीन होगी, ड्रिलिंग मशीन है, हमें किसकी जरूरत है, ड्रिलिंग मशीन की और वर्कपीस की। तो क्या हम क्या करेंगे, जो वर्कपीस है, वर्कपीस को हम क्या करेंगे, जो हमारा टूल होल्डर वर्क होल्डर डिवाइसिंग है, जिसको वर्क होल्डिंग डिवाइस बोलते हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्क है, वर्कपीस है, उस वर्कपीस को वर्क होल्डिंग डिवाइस के अंदर हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। हमारा जो वर्कपीस है वो एक ही जगह पे फिक्स रहेगा, लेकिन जो हमारा टूल होगा यानी कि जो हमारी ड्रिल होगी वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। एक तो उसके अंदर रोटरी मोशन होगा, दूसरा उसके अंदर कौन सा रहेगा, लीनियर मोशन रहेगा। जब वो वर्कपीस के अंदर आए जाए, मतलब वर्कपीस पे टच करेगी, तो उस दौरान ऊपर से क्या आ रहा है, पहले लीनियर मोशन होगा हमारी ड्रिल के अंदर यानी कि ड्रिलिंग मशीन के अंदर। जैसे ही वो वर्कपीस के पास पहुंचेगी तो उनके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, रोटरी मोशन शुरू होना जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, होल के जो हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस के अंदर क्या होने शुरू हो जाएंगे, होल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम वर्क मशीन को ऑन करेंगे, जो हमारी ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन को ऑन करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, ड्रिलिंग मशीन और हमें वर्कपीस की जरूरत होगी। वर्कपीस को हम वर्क होल्डिंग डिवाइस है जो, वहां पे हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद जो हमारी टूल है, टूल यानी कि जो हमारा कटिंग टूल है, जिसको हम ड्रिल बोलते हैं, ड्रिल को मशीन पे अटैच करेंगे, यानी कि स्पिंडल के साथ हम क्या करेंगे, उसको अटैच करेंगे। उसके बाद मशीन को जैसे ही हम ऑन करेंगे, तो जो हमारी ड्रिल है, ड्रिल मतलब जो बिट है, उसके अंदर क्या होगा, लीनियर मोशन आना शुरू हो जाएगा, लीनियर और रोटरी मोशन। तो वो क्या करेगा, इस तरह से नीचे को आना शुरू होगी बिट, नीचे हमारा वर्कपीस है, जैसे ही वो वर्कपीस पे आ जाएगी, तो रोटरी मोशन की वजह से उसके अंदर क्या होने शुरू हो जाएंगे, होल्स होने शुरू हो जाएगा, होल होना शुरू हो जाएगा। तो वो हमारी क्या रहेगी, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग मशीन। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, और अगर हमने बात करनी हो तो हम क्या लिखेंगे, द ड्रिल इज माउंटेड, द ड्रिल इज माउंटेड। कि ड्रिल मतलब जो बिट, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, होल्स करेंगे। ड्रिल मतलब जो हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, उसको हमने क्या बोला है, ड्रिल। ड्रिल इज माउंटेड ऑन ए स्पिंडल, इट्स ऑन ए स्पिंडल। आपको बताया था कि जो ड्रिल होगी, ड्रिल को हम कहां पे करेंगे माउंटेड, जो हमारी स्पिंडल होगी। और वर्कपीस को कहां पे करेंगे, एंड स्पिंडल एंड वर्कपीस होल्ड इन द वर्क होल्डिंग डिवाइस। कि जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है, वहां पे हम क्या करेंगे, वर्कपीस को होल्ड कर देंगे। उसके बाद देन ऑन द मशीन, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मशीन है, मशीन को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, एंड ड्रिल स्टार्टेड रोटेटिंग। और जो हमारी ड्रिल होगी वो क्या करना शुरू हो जाएगी, रोटेट करना शुरू होगी, एंड ड्रिल स्टार्टेड रोटेटिंग एट RPM, ठीक है, RPM, जो क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि एक RPM के साथ एक स्पीड होगी, उस स्पीड के साथ क्या होगी, हमारी ड्रिल क्या करना शुरू हो जाएगी, घूमना शुरू हो जाएगी। ड्रिल क्या करेगी, घूमना शुरू कर देगी। उसके बाद हमने क्या करना है, जो ड्रिल है, ड्रिल को हमने क्या करना है, फॉरवर्ड यानी कि नीचे की ओर वर्कपीस के पास लेके आना है, तो RPM के घूम ली, देन ड्रिल टूवर्ड्स टू द वर्कपीस। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हम
हमारी ड्रिल है, ड्रिल को हमने कहां पर लेके आना है, वर्कपीस के पास लेके आना, वर्कपीस के पास से आना, जिसको हम क्या बोल देते हैं फीड, यानी कि जो हमारी ड्रिल है, ड्रिल को जब हम वर्कपीस के पास ला रहे हैं तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो हमारे लिए क्या रहेगा, वो रहेगा फीड, उसको हम क्या बोल देते हैं फीड। ठीक है कि वर्क ड्रिल को वर्कपीस तक लाने के लिए जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमारे लिए क्या रहता है, फीड रहता है। उसके बाद वो क्या करेगा, जैसे ही वो वर्कपीस के साथ अटैच होगा तो वो क्या करेगा, रिमूव चिप्स, जो भी मटेरियल है मटेरियल को रिमूव करना शुरू कर देगा और उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, होल्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग मशीन, ये क्या रहता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग मशीन। तो देखिए हमने यूनिट शुरू की ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के अंदर सबसे पहले बात की ड्रिलिंग के ही बारे में, तो ड्रिलिंग के बारे में आपको पता लगा कि क्या होती है, ड्रिलिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, होल्स प्रोड्यूस करते हैं एक वर्कपीस के अंदर, जब हमारी कोई भी जॉब है जॉब के अंदर हमने होल्स प्रोड्यूस करने के लिए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिलिंग। और जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हम यूज कर रहे हैं वो टूल हमारा कहलाता है ड्रिल, उसको हम क्या बोलते हैं ड्रिल। नेक्स्ट हमने बात की वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग मशीन के बारे में, तो वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या लिखा कि जो मशीन है ड्रिलिंग मशीन, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, यूज करते हैं होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए वर्कपीस के अंदर। तो जब हम वर्किंग की बात करेंगे तो वर्किंग के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी ड्रिल होगी ड्रिल को हमने माउंट करना है, माउंटेड करना है स्पिंडल के ऊपर। स्पिंडल के ऊपर माउंटेड करने के बाद हमने क्या करना है, जो वर्कपीस है वर्कपीस को हमने वर्क होल्डिंग डिवाइस पे माउंट करना है, यानी कि होल्ड कर देना, दो चीजें होगी। उसके बाद जैसे ही हम मशीन को स्टार्ट करेंगे, ऑन करेंगे, तो जो हमारी ड्रिल होगी वो क्या करना शुरू हो जाएगी, रोटेट करना शुरू हो, यानी कि रोटेटिंग मोशन आ जाएगा एट ए आरपीएम, मतलब एक आरपीएम पे वो क्या करना शुरू हो जाएगी, रोटेट करना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे ही मशीन रोटेट करना शुरू हुई हमने उस ड्रिल को टूवर्ड्स नीचे, यानी कि वर्कपीस के पास लेके आना है, ये हमारी ड्रिल है, जैसे जैसे रोटेट कर रही है, रोटेट करते करते हमने इसको लेके आना है वर्कपीस के पास। जैसे ही वो वर्कपीस के पास आएगी तो वो क्या करना शुरू कर देगी, रिमूव चिप्स, जो भी चिप्स वगैरह है उसको रिमूव करना क्या कर देगी, शुरू कर देगी, यानी कि उसको रिमूव करना शुरू होगी, जिसकी वजह से हमारे वर्कपीस के अंदर क्या प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, होल जो हम होल प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो हमारे वर्कपीस के अंदर जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग मशीन, यहां तक तो हमने ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, क्लासिफिकेशन या फिर बोल सकते हो टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन या फिर आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन। Classification of drilling machine. Drilling machine का तो आपको पता लग गया कि drilling machine वो machine है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हमारे वर्कपीस के अंदर holes produce कर रहे हैं, वो मशीन हमारी कौन सी होती है, drilling machine। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन के बारे में कि कौन कौन सी मशीनें हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमारी मशीन रहेगी ड्रिलिंग मशीन के, वो होती है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल यानी कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से लेके जा सके। जो छोटी छोटी हमारी ड्रिलिंग मशीन होती है, नॉर्मली हम छोटी छोटा कोई भी हमने वर्कपीस करना, वर्कपीस पे होल्स करने हैं स्मॉल वर्क के लिए, हम इनका यूज करते हैं पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का। तो सबसे पहले हमारी कौन सी रहेगी, फर्स्ट हमारी रहेगी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। सेकेंड नंबर पे जो हमारी मशीन रहेगी, सेकेंड हमारी कौन सी है, सेकेंड रहेगी सेंसिटिव और बेंच ड्रिलिंग मशीन। आप सेंसिटिव भी बोल सकते हो या फिर इसको बोलते हैं बेंच ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन। थर्ड है हमारी अपराइट ड्रिलिंग मशीन। फोर्थ नंबर पे जो हमारी ड्रिलिंग मशीन रहेगी वो हमारी कौन सी है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल
वो होगी मल्टीपल ड्रिल, यानी कि जिसके अंदर हम मल्टीपल ड्रिल कर सकते हैं, एक ही बार में क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ड्रिल कर सकते हैं। इसके अलावा गैंग ड्रिलिंग मशीन, डीप होल ड्रिलिंग मशीन, तो इस तरह से काफी हमारे पास क्या रहेगी, मशीनें रहेगी। तो ये हमने बात की, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी मल्टीपल, ठीक है, नेक्स्ट रहेगी हमारे पास कौन सी है, मल्टीपल ड्रिल हेड, मल्टीपल ड्रिल हेड ड्रिलिंग मशीन। सिक्स नंबर पे जो हमारे पास आएगी वो है गैंग ड्रिलिंग मशीन। सेवंथ नंबर पे जो हमारे पास ड्रिलिंग मशीन होगी वो है डीप होल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। और लास्ट हम बात कर लेते हैं, लास्ट हमारे पास जो रहेगी वो है ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन, लास्ट आएगी, ठीक है। लास्ट यहां पे बात कर लेते हैं, एट नंबर पे जो आएगी वो कौन सी रहेगी, ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन, ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, आठ प्रकार की हमारे पास क्या होती हैं, ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, जिनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन, या फिर आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी रहेगी, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन, या फिर इसको बोलते हैं सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट हमारे पास है अपराइट ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, मल्टीपल हेड ड्रिल, मल्टीपल ड्रिल हेड ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, डीप होल ड्रिलिंग मशीन, और लास्ट पे हमारे पास जो आएगी ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन। तो अब हमने बात करनी है इन सबके बारे में कि कैसे कैसे ये वर्क करती है, क्या होती है ये पोर्टेबल ड्रिलिंग, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग, अपराइट, तो इनके बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट ड्रिलिंग मशीन है, वो हमारी कौन सी है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के बारे में। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के बारे में अभी आपको बताया था कि कौन सी होती है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन वो मशीन होती है जिसको हम एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, यानी कि कैरी कर सकते हैं। पोर्टेबल मशीन क्या होती है, एक सिंपल और पॉपुलर मशीन है जिसको हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, एक स्थान से लेके दूसरे स्थान पे क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, तो आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको लेके जा सकते हैं। जो छोटे छोटे वर्क होते हैं, यानी कि छोटे छोटे होल्स होते हैं, हैवी वर्क नहीं होते, लाइट वर्क के लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइट होल के लिए हम किसका यूज करते हैं, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि दिस इज ए सिंपल ड्रिलिंग मशीन विच कैन बी ईजली हैंडल, जो कि हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, एंड ईजली कैरिड, और कैरी कर सकते हैं, ठीक है, कैरिड वर्क प्लेस, यानी कहीं पे भी हमारा वर्क प्लेस है, हमने मान लीजिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, कल को हमने किसी और जगह पे जाना है, तो हम आसानी के साथ इसको क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, और आसानी के साथ ही क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और इसका हम अगर यूज की बात करें तो यूज किस लिए करते हैं, ड्रिलिंग होल्स इन लाइट वर्क, यानी कि जो भी हमारे लाइट क्लासेस वर्क होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल फिटिंग होगी, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन के अंदर हो गया, फिटिंग वर्क हो गया, फिटिंग करना असेंबलीज वगैरह की, तो उन जगह पे, मतलब जो लाइट वर्क है, जो छोटे छोटे काम है, उन काम्स के अंदर होल्स करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का। इसके अंदर अगर होल की जो डेप्थ होती है, अगर होल के बात करें ड्रिल होल की, तो वो होता है 12 mm तक का। अगर हम होल की बात करें कि हम कितने डीप तक होल कर सकते हैं, तो वो जो होल का रहेगा वो होता है ड्रिल ऑफ होल साइज का होता है अप टू 12 mm का। तो अब हम लिख लेते हैं पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के अंदर क्या क्या कर सकते हैं कि दिस इज ए सिंपल ड्रिलिंग मशीन। ये क्या है, दिस इज ए सिंपल ड्रिलिंग मशीन विच कैन बी कैरिड टू वर्क प्लेस, जिसको हम आसानी के साथ कहां लेके जा सकते हैं, वर्क प्लेस पे लेके जा सकते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग होल्स इन
ठीक है, लाइट लाइट वर्क पीसेस, कि जो छोटे छोटे वर्क पीसेस होते हैं, लाइट वर्क पीसेस होते हैं, उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। जो साइज रहेगा होल्स का वो कितना रहेगा, ठीक है, डिफरेंट साइज एंड कैन ड्रिल होल्स अप टू, ठीक है, एंड ड्रिल होल्स अप टू 12 mm, कि जो होल को ड्रिल करने की इसके अंदर एबिलिटी है कि वो कितना कर सकती है, वो कर सकती है 12 mm तक, क्या कर सकती है, होल को अंदर क्या कर सकती है, होल कर सकती है, यानी कि ड्रिल की सहायता से जो हम होल करना चाहते हैं वो होल कितना हो सकता है, 12 mm के आसपास। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के बारे में आपको पता लगा कि पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है, एक सिंपल मशीन है जिसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं और इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे अपने वर्क प्लेस पे क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। और यूज किस लिए करते हैं, यूज करते हैं हम होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए लाइट वर्क, यानी कि जो हल्का काम है, जैसे छोटे छोटे काम है, तो उन काम को करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का यूज कर लेते हैं। जो होल होता है, ड्रिल होल्स अप टू 12 mm, अगर हम होल की बात करें तो वो ड्रिल की सहायता से जो हम होल कर सकते हैं वो हम कितना कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 12 mm तक का होल्स कर सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह की जो ये मशीन होती है, दो आगे फर्दर डिवाइडेड होती हैं, जैसे कि सबसे पहले जो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है, इसमें एक तरह से होती है मैनुअल ड्रिलिंग मशीन। सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास होती है, ठीक है, सेकेंड नंबर पे जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। एक हमारे पास कौन सी होती है, मैनुअल ड्रिलिंग मशीन, दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन, और इसी में एक और होती है, वो होती है न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। वो हमारी कौन सी होती है, न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। तो ये तीन तरह की क्या होती है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन होती है, मैनुअली, यानी कि जो हम मैनुअली जिसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, अगर होल्स कर रहे हैं, होल्स है, होल्स के अंदर अगर हमने होल्स प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए जो हम ड्रिलिंग मशीन का यूज कर रहे हैं, अगर मैनुअली कर रहे हैं, अपने हाथों से हम होल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो होती है मैनुअल ड्रिलिंग। इलेक्ट्रिकल मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से, बिजली की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं और होल्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारी होती है इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन, यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। और न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन हमारी कौन सी होती है, न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी कंप्रेस्ड एयर वगैरह होगी उनका हम यूज करके, कंप्रेस्ड एयर का यूज करके किसी मशीन को ऑपरेट करवा रहे हैं, तो वो हमारे लिए कौन सी रहती है, वो रहती है न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा टॉपिक क्या बन जाएगा, ठीक है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के बारे में आपको पता लग गया कि पोर्टेबल को आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, यूज करते हैं इसका स्मॉल होल प्रोड्यूस, मतलब होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए लाइट वर्क के अंदर, यानी कि जो छोटे छोटे वर्क पीस है जिनके अंदर हमने होल प्रोड्यूस करने हैं। और इनके अंदर एक चीज और है, एक्यूरेसी इतनी मैटर नहीं करती, मतलब अगर हम होल्स कर रहे हैं तो होल के लिए जो एक्यूरेसी है कि हमें एक्यूरेट होल चाहिए वो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है, विदाउट एक्यूरेसी भी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर होल प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूज आपको बता दिया कि लाइट वर्क के लिए हम इसका यूज करते हैं, और जो डेप्थ ड्रिल होल करती है वो उसकी रहती है अप टू 12 mm, यानी कि जो 12 mm है वहां तक हम क्या कर सकते हैं, होल कर सकते हैं इस मशीन से, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन से। अब हम बात करते हैं सेकेंड ड्रिलिंग मशीन के बारे में, सेकेंड ड्रिलिंग मशीन हमारी कौन सी है, बेंच ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, बेंच ड्रिलिंग मशीन, या फिर इसको आप बोल सकते हो, कौन सी मशीन बोलते हो, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन या फिर सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। तो देखिए ये क्या होती है, ये भी एक तरह से लाइट और सिंपल ड्रिलिंग मशीन है। ये क्या, इट इज लाइट एंड सिंपल ड्रिलिंग मशीन विच इज हेल्ड, और वो माउंटेड कहाँ पे होती है, इसको हम अक्सर कहाँ पे रखते हैं, ये हमारे बेंच के ऊपर फिटेड होती है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि इट इज लाइट एंड सिंपल ड्रिलिंग मशीन ऑफ स्मॉल हाइट, यानी कि एक तो सिंपल होती है, लाइट वेट होती है, और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो हाइट भी क्या होती है, इसकी बहुत कम होती है ड्रिलिंग मशीन में। और ये यूजली फिटेड कहाँ पे होती है, इट इज फिटेड ऑन बेंच, एक बेंच के ऊपर फिट होती है, जहां पे इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं,
बेंच ड्रिलिंग मशीन, तो क्या लिखेंगे, इट इज ए, इट इज ए सिंपल, इट इज ए सिंपल, ठीक है, इट इज ए सिंपल ड्रिलिंग मशीन, इट इज ए सिंपल ड्रिलिंग मशीन, ये क्या है, एक सिंपल ड्रिलिंग मशीन है। इसके अलावा ये क्या है, इट इज ए लाइट, ठीक है, इट इज ए सिंपल ड्रिलिंग मशीन, इट इज आल्सो, इट इज आल्सो लाइट, इट इज आल्सो लाइट ड्रिलिंग मशीन, और क्या है, लाइट भी है, इट इज सिंपल ड्रिलिंग मशीन, सिंपल है, इसके अलावा इट इज आल्सो लाइट ड्रिलिंग मशीन, लाइट भी है, और इसकी जो हाइट होती है वो हाइट भी क्या होती है, स्मॉल होती है, इट इज आल्सो लाइट ड्रिलिंग मशीन एंड हाइट, ठीक है, हाइट आल्सो स्मॉल, जो हाइट होती है वो हाइट भी क्या रहती है इसकी, स्मॉल रहती है, हाइट आल्सो स्मॉल, और इसका हम यूज, इट इज फिटेड ऑन ए बेंच, सो ऑन ए बेंच, सो इट इज कॉल्ड, सो इट इज कॉल्ड बेंच ड्रिलिंग मशीन, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं बेंच ड्रिलिंग मशीन, क्यों, क्योंकि एक तो सिंपल होती है, लाइट वेट होती है, हाइट इसकी स्मॉल होती है, और अगर हम बात करेंगे फिट की, तो इसको कहाँ पे फिट किया जाता है, इसको फिट किया जाता है एक बेंच के ऊपर, एक बेंच के ऊपर हम इसको फिट करके रखते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ये कहलाती है हमारी ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, क्या बोलती है, सॉरी, बेंच ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन इसलिए बोलते हैं। इसी के अंदर हम, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं बेंच ड्रिलिंग मशीन के, उन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे बेंच ड्रिलिंग मशीन का जो डायग्राम होता है, किस तरह से बेंच ड्रिलिंग मशीन आपको दिखाई देती है, उसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बेस क्या होता है, कॉलम क्या होती है, जो उसके अंदर स्पिंडल होती है, एडजस्टेबल स्पिंडल होती है, कॉलम क्या होता है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना काफ़ी।